यूरोप का सातवां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, आबादी है करीब 30 लाख, जिस पर कब्जा करना चाहता है रूस। पूर्वी यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। नेपियर नदी के पास बसा है शहर ये कीव, और जैसा कि कर्नल दानवीर बता रहे थे कि इसी नेपियर नदी का जो ब्रिज है वहां के रास्ते कीव के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है रूस की सेना की लगातार। रूबिका, इस पर कब्जा किया कर्नल दानवीर, मतलब आपने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। एक और बड़ी खबर, एक सेकंड रोक रही हूँ कर्नल दानवीर, एक सेकंड रोक रही हूँ, बड़ी खबर। जी हाँ बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। यूक्रेन ने रूस को फिर दिया है बातचीत का ऑफर। यूक्रेन कह रहा है कि एक बार फिर बातचीत कीजिए। जेलेंस्की बोले, पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके पहले खबर यह भी आई थी कि रूस की जो शर्तें हैं वो जेलेंस्की नहीं मानेंगे, जो शर्तें हैं उस पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि आइए टेबल पर बातचीत करते हैं। रूबिका, ये दूसरी मर्तबा है जब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि आइए पुतिन टेबल पर बैठकर आपस में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जेलेंस्की। ना आगे आएगा तो इसलिए अगर उनको उनको उनका कोई उनको कोई रास्ता निकालना है बीच का तो वो पुतिन से बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। इसके पहले बड़ी खबर ये बताई थी कि रूस लगातार यूक्रेन के जो ऑयल डिपोज हैं, गैस पाइपलाइंस हैं, उस पर चोट कर रहा है और इससे बड़े नुकसान का खतरा लगातार यूक्रेन पर बना हुआ है। इसके पहले कि अगर हम बात करें तो रूसी सेना को चकमा देने के लिए अब यूक्रेन ने भी प्लान बना लिया है, क्योंकि रूस तो यूक्रेन पर चोट कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के अधिकारी सड़क से निशान हटा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रूसी सैनिकों को भटकाने के लिए ये निशान हटाए जा रहे हैं। जो डायरेक्शंस होते हैं, जो सड़कों पर नियमों के लिए बनाए जाते हैं निशान, उनको हटाने की ये कोशिश है। रूबिका, नहीं तो इससे हो क्या जाएगा, बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। कब आएंगे कर्नल दानवीर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल, क्योंकि ये जरूरी है कि इसको किसी न किसी कीमत पर रोका जाए। दिबा, बातचीत के टेबल पर आना है लेकिन कितनी दिनों बाद? बस बढ़िया जी, बयान जो फोन मांग रहे हैं, जो प्रदीप जी से मैं यहां सहमत नहीं हूं कि उनको लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं उनके पास, और ये एक तरीका होता है। आप लड़ते भी रहिए, बातचीत उनको बुलाते भी रहिए, कोई ये जब लड़ाई चलती है तो ऐसा नहीं हो रहा। बस हमारे भी ठीक है फिलहाल। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समाचार सबका जिस तरीके से यूक्रेनियंस ने रेजिस्ट किया है, और सब सब राजनीति आम लोगों ने जिस तरह से रेजिस्ट किया है, ये नहीं यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए। यूक्रेन बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, बहुत हिम्मत से लड़ रहा है, और हालत ये है कि रूसी टैंक वहाँ आप सड़कों पे खड़े हैं, जिनके पास तेल नहीं है, इस तरह की आपको लगातार टैंक दिखाई दे रहे हैं। और दुनिया भर पर अगर आप नजर डालें, दुनिया भर से लगातार यूक्रेन को मदद मिलती जा रही है। नए नए ऐसे ऐसे देश मदद कर रहे हैं जिन्होंने क्योंकि वक्त हेडलाइंस का हो चला है। मैं चाहती हूँ कि पहले दर्शक हेडलाइंस देख ले, बड़ी खबरें देख ले, और उसके बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता ली फोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी, सह प्रायोजक लिंक। युद्ध के चौथे दिन यूक्रेन में राजधानी कीव समेत तमाम शहरों पर रूस ने तेज किए हमले। चेर्नोबिल के बाद एक और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है रेड आर्मी। सिचुएशन इज गेटिंग क्रिटिकल डे बाय डे बिकॉज बॉम्बिंग एंड ऑल एंड अटैक। एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का अभियान चल रहा है। देर रात रोमानिया के रास्ते 250 और भारतीय दिल्ली लौट आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगवानी की उनकी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत की है और एक बार फिर से रशिया के सामने बातचीत का ऑफर रखा है। संयुक्त राष्ट्र में समर्थन की अपील भारत से की है। सुरक्षा परिषद ने भारत के रुख की तारीफ की। रूस यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका बनाम चीन की लड़ाई भी सामने आ गई है। अमेरिका कह रहा है रूस पर पाबंदी का समर्थन नहीं कर रहा चीन, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। चीन कह रहा है पाबंदी समस्या का हल नहीं हो सकता। 10 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, कमल के फूल का धमाका होगा, और श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी उसी में सब
स्वाह हो जाएगी। रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन मिलती कि नहीं मिलती, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी देश में कोई नहीं। यूपी चुनाव के पांचवें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज पांचवें चरण में हो रहा है मतदान। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लुहांस्क इलाके में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के तेल ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेनाओं ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन, कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी। रूस के हमले में यूक्रेन के अब तक 240 नागरिकों की मौत। रूस के लगातार हमलों को देखते हुए कीव शहर में रात भर रुक रुक कर सायरन बजते रहे। लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए जा रहे थे सायरन।